एनआरसी और सीएए के खिलाफ जबलपुर में भी मुस्लिम महिलाएं बड़ी तादाद में धरने पर बैठी हुई है। रद्दी चौकी क्षेत्र में ये धरना पिछले 3 दिनों से चल रहा है। इस धरने में महिलाएं एनआरसी और सीएए के नारे लिखे पोस्टर और बैनर हाथों में लिए हुए हैं। बुधवार को मुस्लिम महिलाओं ने एक मार्च निकाला। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए मुस्लिम महिलाओं ने एनआरसी और सीएए से होने वाले नुकसान के संबंध में लोगों को जानकारी दी। महिलाओं ने शांतिपूर्वक ढंग से अपना विरोध जताया। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे इस मार्च के बाद धरना स्थल पर एक सभा भी हुई, जिसमें महिलाओं ने अपने विचार रखे और इन दोनों बिलों को अपने अधिकारों के खिलाफ बताया। महिलाओं ने निर्णय लिया है कि एनआरसी और सीएए में जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जबलपुर में लाखों की तादाद में महिलाएं इकट्ठा होकर मंडी मदार टेकरी से रैली निकालकर और गाजीबाग में जहां कल से धरना प्रदर्शन औरतों का हो रहा है, माँ बहनों का, वहां इकट्ठा होकर के आई हैं और सबकी एक ही आवाज़ है, सबकी एक ही मांग है कि सरकार, केंद्र सरकार इस काले कानून यानी एनआरसी और सीए को वापस ले। और जिस तरह मुल्क में हर जगह माँ बहन इकट्ठी होकर शाहीनबाग से लेकर घंटाघर से लेकर मुंबई और इस तरह हमारे जबलपुर में भी आज, तो जब तक कि सरकार काला कानून वापस नहीं लेगी तो हम इसी तरह से धरना रख करते रहेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर 1 महीने के लिए बात डाल दी, यानी एक तरफा फैसला नहीं करना चाह रहे। अरे एक तरफा क्या, किसी माँ बहन का दर्द समझ में नहीं आ रहा है कि लाखों की तादाद में क्यों आई है? जिन माँ बहनों ने मोदी जी को राखी बांधी, जिनको भाई कहा, जिस बच्चे का नाम मोहम्मद मोदी रखा, क्या उसका दर्द नहीं समझ में आ रहा? अरे उसको तकलीफ होगी कि इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए कि ये जो चलते हैं जिनसे नहीं बन रहा है, जिन माँ बहनों से कमर झुक गई है, वो तक के चलते आ रही, क्या ये दर्द नहीं समझ में आ रहा है? क्या उनकी तकलीफ नहीं समझ में आ रही है कि वो किस परेशानी को लेकर के आई है? नहीं आ रहा तो पूछने तक के नहीं आता इधर कि तुम लोग क्यों आई हो, तुम्हारी क्या मांग है, या हम उसे जो है वापस ले लेते हैं? नहीं, कोई नहीं आया तो क्या चाहती है सरकार, हमें तोड़ देना चाहती है? अरे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं और यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू बहनें भी, हिंदू भाई भी आए हुए हैं, सिख और ईसाई भी आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको मिलकर अपने संविधान को बचाना है, हम सबको मिलकर अपने हिंदुस्तान को बचाना है। और सर मोदी और शाह सुन ले, जब से आए हमसे छीन नहीं रहे, दे कुछ नहीं रहे। नागरिकता छीनने के लिए नहीं होती, नागरिकता देने के लिए होती है। और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर ठीक है, हम इसी तरह विरोध करते रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल तक के लिए भी बात टाली तो सुन लो, 1 साल तक के हम धरना प्रदर्शन करेंगे, 1 साल तक के अपना विरोध करते रहेंगे, लेकिन इस काले कानून को वापस दिलवा के रहेंगे। खड़े हुए हैं सारी महिलाएं, सारा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, सब जानते हैं ये बात। बस ये के खिलाफ हम सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये समानता का अधिकार जो है हमारा, जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया था, जो हमारे सारे संविधान निर्माताओं ने दिया था, पूरी संविधान सभा ने दिया था, समानता के अधिकार में चलने वाला ही। और एनआरसी में आप 1971 से पहले की डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, 1971 से पहले की डॉक्यूमेंट हम कैसे लाए? हम गरीब जनता है, बताइए। बाढ़ आती है देश में, बिहार में भी आई, केरल में भी आई, अभी प्रेजेंट की बात है ना। लोग अपना, आप एक बात बताइए, लोग अपना दस्तावेज बचाएंगे, अपनी जान बचाएंगे, दस्तावेज बचाएंगे, 1971 के दस्तावेज कैसे बचाएंगे आप बताइए? जो गरीब है उसके पास ना, हम तो बोल रहे हैं हमारे पास तो है ही नहीं, तो जमीन कागजात है ही नहीं, तो कहाँ से आगे दिखा रही है आपने जो सीए अमेंडमेंट किया है, जो सीए हमारे शरणार्थियों के लिए, उसमें आप बांग्लादेश को, पाकिस्तान से आए लोगों को और अफगानिस्तान से आए लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, जो भारत में ही पैदा हुआ, जो भारत में ही है, उसका क्या? आपने ऐसी बात करी कि अगर 1971 से पहले उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जब तक चुनाव बाकी का राशन कार्ड भी चल रहे थे, आधार कार्ड भी चल रहे थे, और जब इनको गद्दी पे बैठे तो सब माने थे सबके वोट चाहिए थे, और जब ये स्कीम हो गई है गद्दी पे बैठ गए अपनी तानाशाही चलाने के लिए, इनने सीए और दूसरी चीज़ ये है ना कि हम सीए से कोई वोट लेने देने, ठीक है सीए आप लागू कर रहे हैं, हमारे
बेरोजगारी से तो पहले से जूझ रहा था इंसान, पर आज मजबूत के लिए। आईएनसी आर्ट इंडिया न्यूज के लिए जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।